गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। नमस्कार। बीए सेकंड ईयर राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत हम हमारे पेपर प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक के अंतर्गत हम मैकियावेली का अध्ययन कर रहे हैं। पिछली कक्षाओं में हमने मैकियावेली के जीवन परिचय, उनकी रचनाओं, उनकी अध्ययन पद्धतियों का अध्ययन किया। आज हम उनका महत्वपूर्ण मानव स्वभाव से संबंधित विचारों का विश्लेषण करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो देखिए, मानव स्वभाव संबंधी विचारों का अध्ययन करने से पहले एक बार पुनः मैं आपको भूमिका के तौर पे कुछ महत्वपूर्ण बातें स्पष्ट करता हूँ। हमने पिछली कक्षा में ये समझा था कि मैकियावेली एक अरस्तुवादी विचारक है, राज्य के समर्थक विचारक है। वो राज्य में या राज्य व्यवस्था में किसी भी प्रकार से धर्म का, चर्च का हस्तक्षेप बिल्कुल स्वीकार नहीं करते थे तथा धर्म और नैतिकता से राजनीति को पृथक करने का प्रयास और महत्वपूर्ण प्रतिपादन मैकियावेली ने किया था। ठीक है। तथा इनके अपने जीवन में, क्योंकि देखो कोई भी व्यक्ति होता है, जब वो व्यक्ति अपने जीवन के कुछ घटनाक्रम होते हैं तो उसके लेखन पर, उसके विचारों पर उस घटनाओं का बेहद प्रभाव पड़ता है। क्योंकि मनुष्य है, जो भी लिखेगा उसके मस्तिष्क में जो विचार आएंगे, जो कल्पनाएं आएगी, जो उसके अंदर मंथन होगा, वही तो लेखन के रूप में बाहर निकलेगा, वही तो लेखन के रूप में स्पष्ट होगा। तो आप देखेंगे कि मैकियावेली ने अपने जीवन में जिस प्रकार से घटनाक्रम को देखा, और आपने जब मैंने उनके जीवन परिचय के बारे में देखा था कि सावरनोला के काल में रेवेन्या की लड़ाई में जब स्पेन के हाथों हारते हुए देखा, क्योंकि वो शासक बिल्कुल सेना नहीं रखते थे, तो जब हारे तो उनको महसूस हुआ कि हमने बहुत बड़ी गलती की, हम हमारी रक्षा नहीं कर पाए। फिर उन्होंने तत्कालीन वहाँ के शासक बोर्जिया को देखते हुए, उसको समर्पित करते हुए अपने प्रिंस जो पुस्तक लिखी, उसमें बताया कि मनुष्य कैसा है, मनुष्य स्वभाव से कैसा है, मनुष्य स्वभाव किस प्रकार का है, उसके संबंध में संपूर्ण विचारों का उन्होंने उल्लेख किया है। तो आज की कक्षा में हम मैकियावेली के मानव स्वभाव के संबंध में क्या क्या विचार हैं, उन्होंने किस प्रकार का अनुभव किया और अनुभव करते हुए स्पष्ट किया कि मनुष्य कैसा है और किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, इसके संबंध में आज हम पूरा डिस्कशन करेंगे, समझेंगे। तो देखिए, मैकियावेली ने अपने समस्त राजनीतिक दर्शन का जो आधार बिंदु है वो किसको बनाया है, मानव स्वभाव को बनाया। पूरी पॉलिटिकल फिलोसॉफी जिस पर डिपेंड है मैकियावेली की जो महत्वपूर्ण आइडिया या विचार, वो उसका जो केंद्र बिंदु है वो मानव स्वभाव है। मानव स्वभाव को महत्वपूर्ण इन्होंने बनाया। ठीक है। मानव स्वभाव संबंधी उनके जो विचार है वो इटली के स्वभाव और चरित्र और कार्यों पर आधारित है। अब देखो, ये फ्लोरेंस के नागरिक थे, फ्लोरेंस कहाँ, इटली में। तो ये उन्होंने इटली के लोगों के स्वभाव, इटली के लोगों का चरित्र और इटली के लोगों के कार्य, उन्हीं पर डिपेंड है, उन्हीं पर उन्होंने प्रभाव डाला कि इटली के मुझे लोग कैसे दिखते हैं, उनका स्वभाव कैसा है, उनका चरित्र कैसा है, उनके कार्य कैसे हैं, उसी को उन्होंने देखते हुए अपने विचार प्रतिपादित किए हैं। ठीक है। देखो, मैकियावेली का मत है कि मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी और घोर दानवीय प्रवृत्तियों वाला दुष्ट होता है। स्पष्ट उन्होंने किया है कि जो मानव है, इंसान है, वो स्वभाव से स्वार्थी है, सेल्फिश है, और घोर दानवीय प्रवृत्तियों वाला एक दुष्ट इंसान होता है। उसके अंदर अच्छे गुण नहीं होते हैं, वो दुष्ट होता है, उसके अंदर राक्षस की प्रवृत्ति वाले गुण होते हैं। इसलिए स्वार्थी और घोर दानवीय प्रवृत्तियों वाला एक दुष्ट इंसान के रूप में मनुष्य को इन्होंने चित्रित किया। मनुष्य की सभी क्रियाएं, जो भी सामाजिक है, राजनीतिक है, आर्थिक है, सब जो भी क्रियाएं होती हैं, वो सभी क्रियाओं का जो स्रोत होता है वो होता है स्वार्थवाद। यानी मनुष्य हमेशा अपना स्वार्थ देखता है कि मुझे इससे क्या प्राप्त हो सकता है, मेरा क्या स्वार्थ है, मैं इससे क्या क्या अपने हितों की पूर्ति कर सकता हूँ। ये उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया।
इसलिए मनुष्य कितने भला अच्छा बनने की कोशिश करेगा, लेकिन वो तब तक आपका बना रहेगा जब तक आपसे उसके हितों की पूर्ति होती है। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि जो भी जीवन को जीने के लिए क्रियाएं होती हैं उसका जो मूल भाव होता है वो स्वार्थ होता है। इसलिए उन्होंने अपने प्रिंस के 17वें अध्याय में लिखा है कि सामान्य रूप से मनुष्य संचल, झूठा, कायर और लोभी होते हैं। जब तक आपसे स्वार्थ सिद्ध होते हैं तब तक वे आपके बने रहेंगे। मनुष्य स्वभाव से कैसा है? संचल, झूठा और कायर और लोभी होते हैं। झूठा होता है, झूठ पे झूठ बोलता रहता है, और चंचल होता है, कभी कुछ कभी कुछ, जो हमेशा एक बचपना जो एक बाल्यावस्था होती है उसी प्रकार का बना रहता है, और कायर होता है और लोभी होते हैं। ठीक है, और ये तब तक आपके बने रहेंगे जब तक उसके आपसे स्वार्थ सिद्ध होते रहेंगे। ठीक है, कहने का तात्पर्य जब तक अपने हितों की पूर्ति होती रहेगी आपसे, आपके पूरे पूरे वफादार बने रहेंगे। ठीक है, आपके लिए उस समय तक अपनी जीवन, रक्त, संपत्ति, बच्चों का बलिदान करने के लिए तैयार रहेंगे। कहने के तात्पर्य जब तक उसके हितों की पूर्ति होती है आपसे, तो वो आपसे इतना आपका वफादार बनने की कोशिश करेगा और बना रहेगा, वो हमेशा कहेगा कि मेरा जीवन आपके लिए है, मेरा खून आपके लिए है, मेरी संपत्ति आपके लिए है, मेरे बच्चों का बलिदान भी आपके लिए है, मैं सर्वस्व सब कुछ तैयार करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जैसे ही उनके लिए आपकी आवश्यकता समाप्त हो जाती है तो वे आपके विरुद्ध हो जाते हैं। उनको लगा मनुष्य रूप में अब मुझे इस व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, तो फिर वो आपके विरुद्ध हो जाते हैं। मनुष्य किसी से भी तभी तक प्रेम करते हैं जब तक उनका स्वार्थ सिद्ध होता है। मतलब कहने के तात्पर्य कि मनुष्य तब तक आपका बना रहेगा जब तक उसके आपसे स्वार्थ है। जो स्वार्थ पूर्ण हुआ तो आप कौन, हम कौन, किसी भी प्रकार का कोई उनके साथ कोई संबंध नहीं रहता है। अर्थात मनुष्य स्वार्थ केंद्रित प्रवृत्ति की ओर चलता है। यह मैकियावेली मानव स्वभाव के संबंध में स्पष्ट करते हैं। आपको बेहद आसान है, समझ में आया होगा। बिल्कुल, ये हमारे जो भी विचार हैं इनके विचार बेहद आसान है, कन्फ्यूजन किसी प्रकार का आपको नहीं पाना है। देखो, एक थिंकर्स है, एक विचारक होते हैं। हमको थोड़ा सा किसी व्यक्ति को समझना थोड़ा सा हल्का मुश्किल भरा होता है, लेकिन नामुमकिन या असंभव नहीं है, बेहद आसान है। हर विचारक अपने अपने ढंग से विचार प्रतिपादित करते हैं। तो उसमें हमारे जो मैकियावेली हैं वो यही कहते हैं कि मनुष्य स्वार्थी होता है, दुष्ट होता है, कपटी होता है, क्रूर होता है, लोभी होता है, हर एक प्रकार से अवगुणों से संपन्न होता है, उसके अंदर अच्छाई नहीं पाई जाती। ऐसा मैकियावेली कहते हैं कि मनुष्य ऐसा होता है, और ये तब तक आपका बना रहेगा जब तक आपके हितों आप उसके स्वास्थ्य होते रहते हैं, तब तक वो आपका बना रहेगा। जो स्वास्थ्यों की पूर्ति हो गई फिर वो आपसे दूर हो जाएगा, आपका उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से उन्होंने स्वार्थी के रूप में स्पष्ट किया है मानव स्वभाव के रूप में। उनकी पुस्तक जो डिस्कोर्सेस ऑन लिविंग, उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है, मानव स्वभाव की भर्त्सना की है। कहते हैं कि व्यक्ति स्वभाव से ईर्ष्यालु महत्वाकांक्षी होता है। ईर्ष्यालु होता है, एक मनुष्य दूसरे से जलता रहता है, और महत्वाकांक्षी होता है, मैं ये भी प्राप्त कर लूँ, मैं वो भी प्राप्त कर लूँ, सब प्रकार से अपने प्राप्ति में लगा रहता है। व्यक्ति अपने व्यवहार में प्रेम, भय और धनोपार्जन की प्रवृत्ति से परिचालित होता रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार से वो धनोपार्जन कैसे हो, इससे वो प्रभावित होता रहता है। इसलिए मैकियावेली ने अपना एक कथन बताया है कि मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया है, इतना अपने आप पर स्व केंद्रित हो गया है, तो उनका भेद विश्व प्रसिद्ध कथन है कि अपनी संपत्ति छीनने वाले की अपेक्षा एक व्यक्ति अपने पिता के हथियारों को अधिक सुगमता से क्षमा कर देता है। मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ, समझने वाली बात है। अपनी संपत्ति छीनने वाले की अपेक्षा एक व्यक्ति अपने पिता के हथियारे को अधिक सुगमता से क्षमा कर देता है। कहने का तात्पर्य वो संपत्ति किसी भी रूप में खोना नहीं चाहता। किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति के पिता की हत्या कर दी और किसी व्यक्ति ने किसी की संपत्ति छीन ली, तो वो व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को माफ कर देगा, लेकिन जिसने उसकी संपत्ति छीनी है उसको कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा।
ये बात आप समझ सकते हो कि कितना मनुष्य स्वार्थी है, संपत्ति के या धनोपार्जन के पीछे कितना वो लालायित है, कितना लोभी है कि अपने पिता के हत्यारों को माफ़ कर देगा लेकिन किसी उसकी संपत्ति छीनी है उसको वो माफ़ नहीं करता। तो बात स्पष्ट हुई कि अपनी संपत्ति छीनने वाले की अपेक्षा आप एक व्यक्ति अपने पिता के हत्यारों को अधिक सुगमता से क्षमा कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहते हैं हॉब्स, जो हमारे विचारक हैं हॉब्स की तरह मैकियावेली भी कहते हैं कि मनुष्य में इच्छा तत्व की प्रधानता होती है। आगे हम हॉब्स को पढ़ेंगे, इनके तुरंत बाद हॉब्स आएंगे। वो भी ये कहते हैं कि मनुष्य में इच्छा तत्व की प्रधानता होती है, बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा महत्वाकांक्षा से संपन्न होता है। और आपको पता है इच्छाएं जो होती हैं वो कुछ सीमित नहीं होती है, इच्छाएं अनंत होती हैं, असीम होती हैं, उनकी कोई सीमा नहीं होती या उनकी कोई संख्या निर्धारित नहीं होती है। इसलिए इच्छाएं होती हैं वो असीम और अनंत होती हैं। मनुष्य सभी कार्य इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है। मनुष्य जो भी अपनी जिंदगी में कार्य करता है वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, मैं मेरे जीवन में ये प्राप्त कर लूँ, वो प्राप्त कर लूँ, हम ऐसा सपने देखकर वो सब इच्छाओं की पूर्ति करने में करता है। तो उसकी सबसे बड़ी इच्छा क्या होती है? आज की व्यक्ति किसी को पूछेंगे कि आपके जीवन की सबसे बड़ी इच्छा क्या है तो वो यही कहता है, कोई नहीं कहेगा मुझे भगवान की प्राप्ति करना है। आपको हर एक मनुष्य ये कहेगा मैं ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति अर्जित करना चाहता हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी पैसा बंगला बहुत बड़ा पैसे वाला बनना चाहता हूँ, संपत्ति ज़्यादा से ज़्यादा अर्जित करना चाहता हूँ। ये मनुष्य की एक इच्छा है जो एक सामान्य तौर पर दिखाई देती है। इसी प्रकार से जो हॉब्स कहते थे उसी प्रकार से हमारे मैकियावेली कहते हैं कि मनुष्य इच्छाओं से पूरी तरह केंद्रित है या मनुष्य में इच्छा तत्वों की प्रधानता होती है और इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो हमेशा स्वकेंद्रित होकर काम करता रहता है। स्वार्थ के अलावा मानव स्वभाव का दूसरा जो प्रमुख तत्व है वो होता है भय। भय यानी डर मानव को भय प्रेम से अधिक प्रभावित करता है, यानी डर बहुत प्रभावित करता है। अब आप देखेंगे सिंपल सी बात है, एक रस्सी पड़ी है, दिन में आप जाओगे आपको किसी प्रकार का डर नहीं लगेगा, कोई भय नहीं लगेगा क्योंकि आपको पता है कि वो रस्सी पड़ी है। लेकिन आपको नहीं पता है और रात का अंधेरा है और वो रस्सी पड़ी हुई है तो आपको तुरंत मन में ख्याल आएगा कि रस्सी न होकर सर्प हो सकता है, सांप हो सकता है। आपको डर लगना शुरू हो जाएगा, आपके शरीर आपको पसीना आना शुरू हो जाएगा, आपके रोंगटे खड़े होंगे क्योंकि आपके अंदर भय आ गया। लेकिन जब आपने किसी लकड़ी से या लकड़ी का सहारा लेके आपने उस रस्सी को वहाँ से हटा दिया तो आपका भय खत्म हो जाता है क्योंकि आपको पता चला कि ये जो रस्सी है ना कि सांप। तो उसी प्रकार से मनुष्य का है ना ज़्यादा से ज़्यादा भय से ग्रसित रहता है बेहद रूप से। तो स्वार्थ के बाद में कोई तत्व प्रभावित करता है वो होता है भय। मनुष्य में सद्भावना सामाजिकता के गुण भी देखते हैं लेकिन केवल संयोगवश होते हैं। अब देखो ये नहीं कहते कि बिल्कुल सब ऐसा है, होता है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में संयोगवश होता है। और ऐसे देशों में जहाँ, और ये भी कहाँ पाया जाएगा, जिन देशों में गणतंत्र स्थापित हो चुके हैं वहाँ पर ऐसा थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा। लेकिन अधिकतर मनुष्यों का हम क्या कहेंगे कि वह मनुष्य का स्वभाव कैसा है, बुरा है। मनुष्य का स्वभाव बुरा है, इसलिए मानव स्वभाव दुष्ट और धोखेबाज है। मनुष्य का स्वभाव कैसा है, दुष्ट और धोखेबाज है, इसलिए सरकार को भी उतना ही निरंकुश और शक्तिशाली होना चाहिए। अब जब मानव ही दुष्ट और धोखेबाज है तो क्या सरकार चुपचाप बैठेगी? सरकार ये सब देखती रहेगी? सरकार नहीं चाहेगी कि ऐसे घोर दुष्ट दानवी प्रवृत्ति वाले इंसानों या धोखेबाज इंसानों को ऐसे ही चलने दें? अरे जब इस प्रकार का रहा तो राज्य और जनता सब खत्म हो जाएगी, अराजकता वाली स्थिति हो जाएगी। तो फिर क्या करना चाहिए? जैसे लोग हैं ऐसा का ऐसा सरकार को भी निरंकुश और शक्तिशाली होना जरूरी होना होगा। ये बेहद स्पष्ट किया इन्होंने कि मनुष्य स्वभाव से बुरा है, स्वार्थी है, घमंडी है, दुष्ट है, दानवी प्रवृत्तियों से संपन्न है। ऐसे दुष्टों के ऊपर शासन करने के लिए सरकार को शक्तिशाली और निरंकुश, उस पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं होना चाहिए, निरंकुश सरकार होनी चाहिए। और निरंकुश का तात्पर्य शक्तिशाली, शक्तिशाली निरंकुश सरकार होनी चाहिए। राजा ऐसा हो जिससे लोग डरते हो, राजा ऐसा हो जिससे लोग डरते हो। और एक कुशल शासक मानवीय कमजोरियों को दृष्टि में रखकर छल बल का प्रयोग करके प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है। कहने का तात्पर्य कभी भी जिस प्रकार से हमको धार्मिक ग्रंथों में दयालु राजा वाली जो स्थिति दिखती है, यहाँ पर मैकियावेली खंडन करते हैं कि नहीं,
राजा ऐसा हो कि लोग थरथर कांपते हो उसके नाम से, बहुत ही दंड देने वाला शासक होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा, कुशल शासक वही हो सकता है जो मानव की कमजोरियों को ध्यान में रखते हुए छल और बल का दोनों का प्रयोग करके अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है, यानी अपने शासन कार्य को संचालित करने के लिए और राज्य को नियंत्रण में रखते हुए वो छल और बल का प्रयोग करते हुए इस प्रकार से अपना कार्य कर सकेगा तो उसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। दूसरा, संपत्ति के बारे में क्या कहते हैं कि बुद्धिमान शासक, अब यहाँ पर संपत्ति के मैकियावेली भी समर्थक हैं, मैकियावेली भी इसको चाहते हैं कि संपत्ति कोई व्यक्ति की संपत्ति कोई न उसकी छीन न सके। तो क्या कहते हैं संपत्ति के बारे में मैकियावेली कि बुद्धिमान शासक व्यक्ति की हत्या भले ही कर दे पर संपत्ति को न लूटे। बुद्धिमान शासक होता है वो व्यक्ति की भले हत्या कर दे तो उसकी संपत्ति को न लूटे, संपत्ति उसके परिवार के पास ही रहने दो, ठीक है। दूसरा, राजा के बारे में क्या कहते हैं कि राजा में शेर का साहस और लोमड़ी की चालाकी दोनों होना चाहिए। जब उसको जरूरत पड़ेगा, अब साहस दिखाने का अवसर है तो शेर की तरह साहस दिखाओ, और जब उसको लगे कि नहीं मुझे चालाकी से यहाँ से निकल जाना है और चालाकी के साथ काम करना है तो लोमड़ी की जैसी चालाकी को जताना होगा या स्पष्ट करना होगा। इसलिए कहते हैं कि राजा में शेर का साहस और लोमड़ी की चालाकी दोनों के गुण होने अति आवश्यक है, नहीं तो आप कभी शासन कार्य नहीं कर पाओगे और एक अच्छे शासक के रूप में अपने आप को प्रतिष्ठित या प्रतिस्थापित नहीं कर पाओगे। ये बेहद उन्होंने जरूरी बताया। मैकियावेली ने शासन के संबंध में मानवीय जीवन के तत्वों को आधार माना। मैकियावेली ने शासन के संबंध में मानवीय जीवन के तत्वों को महत्वपूर्ण आधार बताया कि जिस राज्य में नागरिकों में मानवीय सद्गुण हो वहाँ पर गणतंत्रीय व्यवस्था ठीक प्रकार से कार्य करती है, लेकिन जिन देशों में मानवीय गुणों का अभाव है उन देशों में निरंकुश राजतंत्र उपयुक्त शासन हो सकता है। देखो स्पष्ट किया इन्होंने, क्या बताया है कि जिन देशों में जिन राज्यों के संबंध में अगर मानवीय तत्व हैं, यानी राज्य के जो नागरिक है वो मानवीय सद्गुणों से संपन्न है, अच्छे गुणों से संपन्न है, तो वहाँ पर अच्छा है कि वहाँ पर गणतंत्रीय शासन व्यवस्था स्थापित कर सकते हैं। लेकिन जिन देशों में मानवीय गुणों का बेहद अभाव है, क्रूर घमंडी स्वार्थी लालची दानवी प्रवृत्तियों वाले लोग हैं, तो वहाँ तो एक ही है, निरंकुश राजतंत्रों को स्थापित कर दो। निरंकुश राजतंत्रों को स्थापित करना ही उपयुक्त शासन हो सकता है और कुछ नहीं। अतः इटली की तत्कालीन स्थिति, यहाँ के नागरिकों में मानवीय सद्गुणों का नितांत अभाव है, अतः अच्छे गुण हैं तो गणतंत्रीय शासन व्यवस्था, बुरे गुण हैं तो निरंकुश राजतंत्र। लेकिन जब मैं इटली को देखता हूँ और इटली के लोगों का स्वभाव देखता हूँ, इटली के लोगों के मानवीय गुण देखता हूँ, तो मुझे यहाँ पर सद्गुणों का नितांत अभाव मिलता है, बहुत ही कमी मिलती है। यहाँ के लोगों में किसी प्रकार के सद्गुणों का अभाव है और अच्छे लोग हैं ही नहीं, इसलिए इन्हीं कारण इटली के लोगों के लिए निरंकुश राजतंत्र को अपनाने का सुझाव दिया है। मैकियावेली ने इटली के लोगों की ऐसे बुरे गुणों को देखते हुए निरंकुश राजतंत्र को अपनाने की वकालत करते हैं, ठीक है। इसलिए आप कह सकते हैं कि मैकियावेली ने दोनों बातों को स्पष्ट किया है कि जहाँ के लोग मानवीय गुणों से संपन्न हैं, सद्गुणों से संपन्न हैं, वहाँ पर गणतंत्रीय शासन व्यवस्था स्थापित कर सकते हो, लेकिन जहाँ के लोग मानवीय गुणों से, यानी उसमें दुर्गुण का समावेश है, सद्गुण है ही नहीं, मनुष्य स्वार्थी दुष्ट दानवी प्रवृत्ति वाले हैं, वहाँ पर निरंकुश राजतंत्र स्थापित किया जाना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर ये निरंकुश शासन व्यवस्था स्थापित नहीं होगी तो वहाँ पर किसी प्रकार से अच्छे मतलब शासन व्यवस्था चल ही नहीं पाएगी और राज्य की स्थिति बुरी बन सकती है, ठीक है। इसलिए निरंकुश राजतंत्र अपनाने का सुझाव देते हैं। मैकियावेली मानव, उनका कथन है कि मानव चालक मनुष्य के हाथ का खिलौना, मानव चालक मनुष्य के हाथ का खिलौना और निरंकुश मनुष्य की तलवार का शिकार होता है, ठीक है। इन दोनों बातों को शासन व्यवस्था के अनुरूप इन बातों को उन्होंने स्पष्ट किया है। तो आज हमने भी देखा कि मनुष्य के किस प्रकार का स्वभाव है और इन स्वभाव को देखते हुए किस प्रकार की शासन व्यवस्था का संचालन करना है, ये उन्होंने बेहद जरूरी बताया। तो मैंने आपको पहले भी स्पष्ट किया था कि इन्होंने जिस प्रकार से इटली में महसूस किया, इटली में जिस प्रकार से शासन व्यवस्था को देखा,
पतन देखा, मनुष्य के अंदर गुणों सद्गुणों का पतन देखा, तो ऐसे दुष्ट मनुष्यों पर संचालन करने के लिए किस प्रकार की शासन व्यवस्था बेहद जरूरी है, उसके संबंध में, मानव स्वभाव के संबंध में ये उन्होंने विचार प्रकट किया है।